बद्दी ड्रग विभाग ने आज नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। विभाग को पता लगा कि बद्दी की नामी दवा कंपनियों की नकली दवाई बनाई जा रही है, जिसके बाद आज टीम ने बद्दी बैरियर से निकल रही एक क्रिएटा कार की तलाशी ली, जिसमें से ड्रग विभाग ने 8 डब्बे बरामद किए, जिसमें बद्दी के नामी उद्योगों की नकली दवाई बरामद की, जिसके बाद विभाग ने एक गोडाउन पर छापेमारी की, जहाँ हजारों की तादाद में नामी कंपनियों की नकली दवाइयाँ और रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोलर नवनीत मारवाहा ने बताया कि उनकी ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने आज बद्दी बैरियर पर एक गाड़ी से नकली दवाइयां बरामद की हैं, जिसके बाद टीम द्वारा एक गोडाउन में भी छापेमारी की है। साथ ही उस फैक्ट्री में भी जांच की जा रही है जहां से दवाइयां बनाई जा रही थी, वहां भी छापेमारी की जा रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। ये कहीं से गाड़ी भर के जब इन्होंने टोल बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे वहीं इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और उसमें से इपका कंपनी की, सिप्ला कंपनी की और यूएसबी कंपनी की, ये तो कार से मिली हैं, 6-8 डब्बे थे जो उसके पास थे। इन दवाइयों को सीज़ किया जा रहा है और इसी का एक कहीं गडाउन है जहां एक अलग से टीम गई हुई है, और एक जो इससे हम इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता लगा है, एक इसकी एक छोटा सा कोई स्पेयर, इसका मेडिसिंस की दवाइयां बनाने का कोई मशीनों का कोई फैक्ट्री है उसके नज़दीक, इसका कोई जहां ये मैन्युफैक्चरिंग करता था एक वहां भी, तो तीनों जगह पे जो है ये कार्रवाई चली हुई है और ये स्पूरियस ड्रग्स के अंदर जो है ये केस किया जाएगा। ये ड्रग विभाग की अलर्टनेस का ही नतीजा है। इसमें 2-3 ड्रग इंस्पेक्टर कंटिन्यूसली हमने पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन पे लगाए हुए हैं, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और ये जो तीनों 2 केस पहले हुए थे, एक ये अभी हुआ है, ये इसी का नतीजा है कि ये चीज़ें हम लोग बस्ट कर पाए हैं। सर, इसमें भविष्य में इस तरह की ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी हो तो सर कोई कड़ा कदम उठाया जा रहा है? भविष्य में इस तरह की एक्टिविटी ना हो, ये जो एक्टिविटी है ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, दिस इज क्लैंडेस्टाइन एक्टिविटी, ये छुप के करने वाली चीज़ें हैं ये जो की जा रही हैं, तो उसके लिए पुलिस से हमारी कोऑर्डिनेशन और ड्रग इंस्पेक्टर की पब्लिक में मैन्युफैक्चरर्स के साथ और होलसेलर्स के साथ जो इंटरेक्शन है ये उसी का नतीजा है। ये सिर्फ जो है ये इंटेलिजेंस आउटपुट के बेस पे ही हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये भी रात भी जो चीज़ पकड़ी है, ये इसका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि गाड़ी ले आता था किसी जगह पे, इसको मैन्युफैक्चर करता था, वहाँ से सब चीज़ें हटा देता था, फिर गाड़ी ले कर चला जाता था। तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन और ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो इंक्रीज्ड सर्विलेंस है, क्योंकि ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरर नहीं है, रूटीन मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये एक तरह से अपराधी हैं ये, जो कि इस तरह की पुलिस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन और अपनी सर्विलेंस बढ़ाने का हमने काम किया है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।